मैं हूँ ऋचा गुप्ता। वेलकम टू घर का मैजिक। आज मैं बताऊंगी कि घर में कुल्फी कैसे बनाते हैं। मार्केट में तो कुल्फी बहुत मिलती है, लेकिन मार्केट के कंपैरिजन में घर की कुल्फी बहुत टेस्टी, हेल्दी और हाइजीनिक होती है। तो चलिए बताने जा रही हूँ घर में कुल्फी कैसे बनाते हैं। लेकिन मार्केट की कुल्फी हो या घर की कुल्फी हो, मोस्टली लोग प्लास्टिक का मोल्ड यूज़ करते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ केले के पत्ते का मोल्ड। आप केले के पत्ते का कोन बनाइए और इसमें कुल्फी जमाइए, यह नेचुरल और टेस्टी कुल्फी तैयार होगी और हाइजीनिक भी होगी। टेस्टी कुल्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 लीटर ताज़ा दूध। साथ में मैं ले रही हूँ 1/2 कप चीनी, इलायची पाउडर, कुछ पसंद की ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो, कोकोनट ताज़ा, और मिल्कमेड ले रही हूँ 1/2 कप। साथ में मैं ले रही हूँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप 4-5 बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फास्ट या उपवास हैं तो कॉर्नफ्लोर और बिस्किट की जगह सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा भी यूज़ करके फास्ट की कुल्फी बना सकते हैं। तो चलिए बताने जा रही हूँ कुल्फी कैसे बनाते हैं। स्पेशल कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मिल्क को गैस पे ऑन करके रख दिया है, मीडियम फ्लेम पे। गाढ़ा होने तक मैं मिल्क को पकाऊंगी। ये दूध मैंने गैस पे रख दिया था, स्लो कर दिया था मीडियम से, और मैं बराबर चलाती रही, बीच बीच में छोड़कर अपना काम भी करती रही। लेकिन ये दूध पक के अब देखिए इस तरह गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी सबसे पहले शुगर यानी चीनी। चीनी में इसमें 1/2 कप डाल रही है। मीठा सब कुछ घर में ज़्यादा खाते हैं, कुछ घर में कम खाते हैं, उस अपने अकॉर्डिंग आप चीनी डालिए। मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, इसको मैं पानी में घोल ले रही हूँ। आप चाहे कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं, आप 1 चम्मच गेहूं का आटा डाल सकते हैं, अगर आप व्रत हैं तो सिंघाड़े का आटा डाल सकते हैं, कुट्टू का आटा डाल सकते हैं, आप अगर बिस्किट चाहे तो आप 4 बिस्किट इसमें तोड़ के डाल सकते हैं, कुछ भी डालना है आपको। ये इस तरह मैं आप डाल रही हूँ, डाल के बराबर चला दूंगी। देखिए ये मैंने कॉर्नफ्लोर डाला 2 चम्मच, ये गाढ़ा हो गया, ठीक हो गया। अब इसमें मैं मिल्कमेड डालने वाली हूँ। 1/2 कप करीब मिल्क मेड डाल रही हूँ। साथ में मैंने ये कोकोनट लिया था। कोकोनट ये पीछे का छिलका मुझे नहीं करना, इस तरह मैंने घिसा था, कोकोनट को घिस के रखा था। अब मैं कोकोनट भी डाल रही हूँ। कद्दूकस क्या हुआ, हरी इलायची का पाउडर। अब इसे अच्छे से चलाकर और मैं गैस ऑफ कर दूंगी। देखिए कितना अच्छा गाढ़ा हो गया। अब गैस ऑफ कर रही हूँ। गैस ऑफ करके मैं स्लैब पे ही रख दूंगी, ठंडा होने तक वेट करूंगी इसको। अब ये ठंडा हो चुका है, मैं इसमें थोड़ा सा रोज एसेंस डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे डालें या ना डालें, मैंने इसमें रोज एसेंस डाला है। अब इसको अच्छे से मिला लूंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कुल्फी का तो ये सारा सामान तैयार हो गया, लेकिन आइसक्रीम या कुल्फी मोल्ड तो हमारे पास है ही नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे ले रही हूँ केले का पत्ता, और पत्ते को मैंने इस तरह से देखिए काट के और धुल के मैंने साफ कर रखा है। अब इसका मैं आइसक्रीम मोल्ड बनाऊंगी इस तरह कोन। ये देखिए इस केले के पत्ते को मैंने इस तरह काट के शार्प करके और टूथपिक से इसे कवर कर दे रही हूँ। ये बन गया कुल्फी का मोल्ड, तैयार हो गया। ये एक एक करके मैंने केले के पत्ते के सारे आइसक्रीम मोल्ड बना लिए हैं। अब इसमें मैं आइसक्रीम इस तरह भरूंगी। कुछ ड्राई फ्रूट्स मैं नीचे सबसे पहले डाल रही हूँ। ये आइसक्रीम का चम्मच, और साथ में ऊपर से भी ड्राई फ्रूट्स लगा रही हूँ। अब ये देखिए मैंने एक बाउल लिया है, बाउल पे ये टिफिन कागज रखा, फिर इसमें मैंने होल कर रखा, इसको मैं इस तरह खड़ा कर दूंगी। कुछ को मैं डिस्पोजल ग्लास यानी कॉफी का ग्लास ले रही हूँ, या आपके पास इस तरह छोटी सी ग्लासिया हो, अगर आपके पास आइसक्रीम मोल्ड हो तो कोई बात ही नहीं है। अब ये देखिए कुछ को मैं डिस्पोजल में करूंगी। अब इसको मैं ये डिस्पोजल को मैंने रखा, अब इस तरह मैं कवर कर दूंगी कि इसमें
फ्रीज में रखने पे ये इस तरह चम्मच लगा दूंगी। कुछ को मैं ग्लासिया में रख रही हूँ, छोटी सी ग्लास हो बच्चों की घर में तो आप उसमें रख सकते हैं, छोटी कटोरी में भी रख सकते हैं। अब इसे मैं कवर कर दूंगी। कवर करने के बाद 6 घंटे के लिए मैं फ्रीजर में जमने के लिए रखने जा रही हूँ। 6 घंटे हो गए हैं, कुल्फी ठंडी ठंडी तैयार हो गई होगी, मैं निकालने जा रही हूँ। ये ठंडा ठंडा कूल कूल कुल्फी बनके तैयार हो गया है, आप इसे खाइए और एंजॉय करिए। मैंने जो डिस्पोजल में बना रखे थे और एक ग्लासिया में, उसे मैं चेक करके आपको दिखाती हूँ। ये ठंडा ठंडा कूल कूल कुल्फी बनके तैयार हो गई है, आप इसे खाइए एंजॉय करिए। अगर आपको पसंद है तो आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। थैंक यू।